हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच दिखरण विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के संगे। खबर मैहर से हबे, जहां कांग्रेस के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष आर के सिंह अपने पार्टी के रश्मि सिंह के साथ बदतमीजी करे रहे, जेके विरोध में सैकड़न जने मैहर थाना प्रभारी का ज्ञापन सौंपिन, जहाँ एक कैदी कांग्रेस का लय के एक दूसरे के सब विरोध महामा वहीं निया बदतमीजी के बाद कई जने मैहर थाना प्रभारी विद्याधर पांडे का ज्ञापन सौंपिन और कहीं नगर कौनो कार्यवाही न हुई तो आंदोलन करब। देखिए, सबसे पहले तो वो एक नारी है, दूसरा हमारे पटेल समाज की नेत्री है और राजनीति के पैमाने में अच्छा काम करती है। उनको 5-7 बार यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन हैं आर के सिंह जी, उनके द्वारा अभद्र भाषाओं का, गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है जो बर्दाश्त के बाहर है। आज यहाँ 150 से 200 महिलाएं इकट्ठा होकर और थाना में हम सब लोग आए थे, ज्ञापन दिए हैं। खबर रीवा से है, जहाँ जिला भर नहीं सगले विंध के जाना माना चिरहुला हनुमान मंदिर भक्तन खातिर बहुत ही श्रद्धा के केंद्र है। बतावा जात है कि यहाँ कौनो काम करे खातिर निकही जगह नहीं आए, जेके खातिर विप्र सेवा संघ के पदाधिकारी युवा समय रहे कलेक्टर इलैया राजा टी एक धर्मशाला बनवावे का कहे रहे, जौन की अभी तक नहीं बन पावा। बतावा जात है कि विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब यह काम चिरहुला नाथ के ऊपर छोड़ दिए। हम आई अपना पंचन का सुनाई थे विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहीं। एक्चुअली आपको पता है कि विप्र सेवा संघ एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में काम करती है और हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर के चल रहे हैं और हनुमान जी कृपा हुई तो हम लोगों के मन में एक धर्मशाला बनाने का ख्याल आया, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी गैदरिंग होती है, लोग बाहर खाना बनाते हैं, काफ़ी समस्याएँ पैदा होती हैं, तो हम लोगों से तो ये बन जाएगा तो एक समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह भी, जो विप्र सेवा संघ के सदस्य रहेंगे उनको प्राथमिकता से मिलेगा और इसमें जो रिवेन्यू प्राप्त होगा लगभग 6 से 7 लाख रुपए साल का प्राप्त होगा, वो पुजारियों के विकास में और मंदिर के विकास में लगाया जाएगा। तो इसको हमने 6-7 महीने पहले पूरा शुरू किया था इस कार्य को और लगभग 3000 स्क्वायर फीट में है। जैसा भी आपने इसको विजिट किया होगा तो इसमें कमरे भी बने हुए हैं, किचन भी है, वॉशिंग एरिया भी, बड़ा हॉल भी है, आगे एलिवेशन भी बनेगा। तो हनुमान जी के पास सारा काम ये चलता रहा, लेकिन थोड़ा सा इधर कुछ हमारे प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया था कि सहयोग करेंगे, तो हम लोगों ने उनका वेट किया लेकिन सहयोग मिला नहीं, तो इसलिए काम बंद था, लेकिन अभी हम 2-3 दिन फिर से इसको शुरू करेंगे। खबर रीवा के मनगवा से हबई, जहां कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर पलट गया रहा, जेके नीचे दब के अनीस यादव मर गए रहे, जेके बाद अब उनके घरे वाले ट्रैक्टर चलावे वाले के ऊपर आरोप लगावत हम बतावत हमारा के ट्रैक्टर जानबूझ के पलटाई दे रहे। आई अपना पंचन का दिखाई थे कि कैसन घटना भय रही और अब मरे वाले के घरे वाले का कहा था। खोज कुमार आया और हमारे भाई बिरजू को, अनीस यादव को घर से लेकर गया करीब 2 बजे और वो खाना खा रहा था, खाना भी नहीं खाने दिया, लेकर गया ट्रैक्टर चलवाने। अब खोज कुमार अपने घर से ट्रैक्टर लेकर निकला, सिखनी गाँव पहुँचते ही शराब सिया की दीवारी पर ट्रैक्टर पलटा दिया, इतना स्पीड ट्रैक्टर लेकर गया था। इसके बाद जब ट्रैक्टर पलटा तो उसके चाचा पहुँचे, तो चाचा जब पहुँचे तो खोज कुमार को लेकर चले गए और अनीस को दबे रहने दिए। अनीस बोल रहा था हमें बचाओ, लेकिन गांव के जनता को भी नहीं उठाने दिए उसके पापा खोज कुमार। खबर रीवा से है, जहां यह समय नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के अच्छा खासा माहौल चलत है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष शहीद मिस्त्री अपने पार्टी का छोड़े के बाद कहत रहे, दूसरे पार्टी में जाए खातिर पत्रकारन के संगे बात करे की तैयारी कर ली रहे। पर विराट 24 के खबर देखे जाए के बाद कांग्रेसी में खलबली मच गए और कई जने शहीद मिस्त्री के घरे पहुंच के और मनाव शुरू कर दी। बताए के चुनाव के बाद कमलनाथ कहे रहे की इनका कौनो दूसर पद दे, वह ऐसा नहीं करें। बतावा जात है की उनके घरे महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा, बाबा राजेंद्र शर्मा के संगे और जने उनका मनावे पहुंचे रहे और उनका पार्टी से जाए से रोक लीन। अब देखा जाए के कितना शहीद मिस्त्री का संतुष्ट कीन जात हवे। खबर सतना से हबे, जहां स्टेट बैंक के शाखा राजेंद्र नगर में आगी लग गई रही, आगी लगे से सब एकयोकय भागे लागे, आगी लगे से सगले ब्रांच में अधियार होगा। जानकारी के बाद 3 फायर ब्रिगेड पहुंची रही। बतावा जात है की आगी AC में शॉर्ट सर्किट से लगी रही, उहन कोतवाली पुलिस मौजूद रही। राहुल
खबर जहां एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के प्रचार सामग्री का नुकसान पहुंचाई पोस्टरों फड़वा दी। यह मामला मैहर के संगवारी में देखे का मिला हबे। यहां प्रत्याशी संजू प्यासी के सामग्री और पोस्टर का दूसर प्रत्याशी राम सिंह नुकसान पहुंचाए रहे और गाली गलौचो करे रहे, जेकर लिखित शिकायत दर्ज हबे। बतावा जात है कि अब यह मेरमा कौनो बाधा हुई तो सगली जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की हुई। क्या हुआ, आए थे तो हम घूमती मिलक रहे थे, तो राम सिंह ने आए तो हमारे कॉलर में हाथ लगा दिया और तो बोलता रहा है, उठपटांग भी तो बोला है, तुम्हारा भी है, कहा कि क्या बोला आप, किसके आर्डर से लिख रहे हो, तो हमने कहा हमने एक आर्डर लिया है, तो तुम्हारे भी हैं प्लस उठपटांग तो भाषा भी बोले हैं। राम, मैं अलका प्यासी ग्राम पंचायत सुनवारी की प्रत्याशी हूँ। मैं मेरे बाल पेंटर द्वारा जो पेंटिंग की गई है उसके साथ वो बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं। बताइए, मैं अगर जा रही हूँ सबके यहाँ प्रचार करने, कल मेरे साथ कोई बदसलूकी करता है, छेड़खानी करता है, तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? प्रशासन ले सकता है और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। किसके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं और ये हैं? श्रीमान राम सिंह पटेल जी हैं जिनके द्वारा धमकी दी गई है, वो आकर हमें बताए वाल पेंटर, हमारे पोस्टर सारे फाड़ दिए गए हैं। अब बताइए हम क्या करें, वो भी अपना पोस्टर लगाए, हमें कोई एतराज नहीं है। भाई प्रचारक है, हम प्रचार करेंगे, समर्थन करने वाले समर्थन करें, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनके साथ बदसलूकी ना की जाए। आज खातिर इतना, बिंधमा बघेली के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।